और दुख भी होया। मैं बड़ा आपके आप नूं कंट्रोल करने की कोशिश की कि बोलोगे इह जे मुख्यमंत्री के खिलाफ जिहदी अकल ही गिट्टियां च चली गई, जिहनूं समझ नहीं कि जे कुर्सी ते उह बैठे है, जिस पंजाब की विधानसभा ते उह बैठे है, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ सर्व सांझी वालता दी उसते नक्शे कदम ते चलने वाली है विधानसभा, और जिस विधानसभा ने पग दी जिहदी पग शान है उस विधानसभा दे अंदर गुरु दे सिख दी उहदे दाड़े बारे जो दाड़ा केस एक अकाल गुरु दे सिख नूं बख्शिश कीते वलों होई है। धन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वालों ये बख्शिश ये दाता मिली हैं, और बड़े वड्डे भाग वाले ने ओह जिन्हां ते सच्चे पातशाह की अपार बख्शिश है, जिहड़े केसां दी ककारां दी सांभ संभाल कर रहे हैं, गुरु साहब के दसे हुए नक्शे कदम से दिखाए हुए रस्ते से चलन की कोशिश कर रहे। ये पंजाब नूं रिप्रेजेंट करने वाली गुरुआं पीरां की इस पवित्र धरती नूं रिप्रेजेंट करने वाली ये पंजाब की विधानसभा, जिथे पंजाब के मुद्दे नहीं डिस्कस होंगे। देखो सवा साल च अज भी सीएम साहब बिहार गए है, बिहार की कह गए है, भावे उन्होंने पंजाब के लोगों के बोझ पा के जहाज कर लिया, जहाज करके गए है पंजाब के मुद्दे नूं लैके, नहीं दिल्ली के मुद्दे नूं लैके कि भी जिहड़ा ऑर्डिनेंस जारी होया है केंद्र सरकार वालों उहदे खिलाफ असीं एक फ्रंट बना रहे हैं, केजरीवाल साहब के एजेंडे नूं अगे चलाउण गए है। मैं पूछना चाहुंदा कि यह भी विधानसभा जो बोले हो यह भी केजरीवाल साहब का एजेंडा सी, और शर्म की गल है अफसोस की गल है। मैं वीडियो दिखाना चाहना कि जदों यह शब्दावली वरती गई आम आदमी पार्टी के एमएलएयां की सोच या उत्थे विधानसभा च बैठिया की वह ताड़ियां मारते सी इस गल, और स्पीकर साहब ते मेरे तो सब तो वध रंज मैनू स्पीकर साहब ते सी। मैं दो तीन दिन चुप रहा कि शायद कई बारी मौके ते बंदा रिलाइज नहीं करता, मगरों महसूस करता है कि क्योंकि हूज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर साहब, और मैनू आस सी कि स्पीकर साहब आप भावें सीएम किड्डा भी ताकतवर होवे किड्डा मर्जी वड्डा होवे, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो वड्डा नहीं हो गया, गुरु साहब के जो केसा की ककारा की इतने भाई तारू सिंह सत्कारयोग उन्होंने उदाहरण दिते जाते जिन्होंने खोपड़िया लवा लिया, मगर आपका सिखी सुवासा लवाने की गल की कि मेरे सखीरले सुवास तक मैं सिखी लवाऊंगा, आप सिर जावे ता जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे। गुरसिखा इस मत एक गुरती मिलती है उत्थे अज पंजाब दी विधानसभा दे स्पीकर साहब ने ना इस गल नूं एक्सपांड कीता, ना खेद प्रकाया, ना सीएम दी ताड़ना कीती। अज मैं पूछना चाहुंदा कि फिर तुसी इस गल नाल सहमत हो, इज हिस्टरी रिपीटिंग इटसेल्फ, कि जदों ज्ञानी जैल सिंह जी दे परिवार नाल तुसी संबंधित हो 1982 तो 87 जो देश के राष्ट्रपति सन, और उदों भी श्री अकाल तख्त साहब ते अटैक होया सी, गुरसिखां नूं दिल्ली दीआं सड़कां ते जिउंदे साड़िया गया सी, गलां च टहर पाए गए, सिंह सिंगणियां दीआं
इज्जतां लुटियां गईयां साडियां भैणां दियां, सारे गए मारे गए, जेनोसाइड होया, अज उन्हां दे केस चलदे आ, उह लोक पिछे ने टाइटलर वर्गे ते होर, ते तुसीं उस वेले भी तुहाडे परिवार दा जी राष्ट्रपति सी, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਚ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਵੈਰੇ ਹੀ ਵਾਸ ਦ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਦੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ मजाक उड़ाया जावे, ओदे दाड़े पग दी शान दे खिलाफ कोई गल कीती जावे, ते स्पीकर साहब दा एक लफ्ज नहीं आया। मैनू इस गल दा अफसोस भी है, रंज भी है, और मैं समझदा हिस्टरी बुक्स च यह रिकॉर्ड होगा कि किवें जिहड़ी पंजाब दी विधानसभा लोकां दे मुद्दियां वास्ते बनी है, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਖਾਲਸੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਸਮਝਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੂ ਨਿਵਾਸ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਉਹਦੇ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਵ ਲਈ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਆਹਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਖਾਏ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਦਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੰਨੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਨੇ ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਾੜਾ ਆਪਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਦਾੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜਾ ਬੰਨਿਆ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਦਾੜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਚੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਵਿਖਾ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਅਟੈਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਦਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਲ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਅਫੈਂਡਰ ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਡ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਡਾ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੋਵੇ, ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਘਟੀਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਦੌੜਾਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿੱਗੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਕੀ ਦਊਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀਡੀਓ, ਜਿਹ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਤੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਸਨ ਉੱਥੇ? ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਠੋ ਪੈਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਜੀ,
अमृत वेले उठ के आप दी नितनेम करता है, बाणी पढ़ता है, गुरु दे चरणा च नतमस्तक हुंदा है, अखीर च जदों अरदास करता है सरबत दे भले दी। मैं उन्हां चों कुछ सिर्फ इसलिए पढ़ के सुना रहा, सारी अरदास नहीं, सिर्फ उन्नी गल ही जिन्हां सिंह सिंघणियां ने धर्म हेठ शीश दित्ते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आर्या नाल चराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिक्खी केसा सुआसा नाल, मैं फिर रिपीट करा, सिक्खी केसा सुआसा नाल निभाई, तिना दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु। फिर उन्हें अरदास जिहड़े अरदास करते है भाई, ये उन्हें सब का निरादर नहीं, तुसी की करते हो। हुण मैं सीएम साहब की हरकतां दस दिया, मैं तो मतलब तुसी ऑपोजिशन नूं अटैक कर लो, आपके विरोधियों नूं जेल च दे दो, जो बस चलता जिथे टलदा जोर लगता ला ला भाई। मगर जे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज वालों साजे खालसा पंथ का निरादर करेगा तो फिर किसी ने बर्दाश्त नहीं करनी ये गल। और मैं आपको एक कही हैबिचुअल ऑफेंडर की बार बार घटिया हरकत करना इन्हों की एक तरीका बन गया, वो मैं थोड़ा विखा चाहना कि इन्होंने केड़े केड़े काम किए। आ वॉलीबॉल मैच खेलते हैं, अगली कोई पग नूं कोई गुरसिख जिहदे सिर ते केस होण दाड़ा रख्या होवे, उह कदे भी इस तरह आपकी पग नूं इस तरह ला के कदे भी गलती नहीं कर सकदा। मगर इन्हां तां शर्म ही कोई। आ दूजी हरेक का ही निरादर, मतलब निरादर का इन्होंने जिवें ब्लड च होता ना जी, जिहड़ा श्री दमदमा साहब शराब पी के जा सकता, सारियां बुखा दे हरकतां, जिहड़ा शराब पी के दमदमा साहब जा सकता, उह तो आस कहिड़ी रखी जा सकदी हो। मेरे बड़े वड्डे सोर्स ने कही है मैनूं इह गल, कहिंदा सर उस दिन भी इह पी के आया पंजाब दी विधान, जिहड़ा पंजाब दी लोक सभा च पी के जा सकता है, और उहदी शिकायत उन्हां दे साथी एमपी खालसा जी कर सकते हैं, या लोग उहनूं सुंघदे आ विधान पार्लीमेंट च, देश का स्पीकर इह गल कह सकता है कि जिहड़ी विधानसभा च कंट्रोल ही इहनां दा है, बहुमत इहनां दा है, उत्थे पी के आउण तों की इन्होंने दो बारी भी सोचना आउण तों पहले। और मैं तुहानूं इमानदारी नाल कह रहा, और मैं रिक्वेस्ट भी करता स्पीकर साहब नूं, जे तुसी जिवें ड्राइविंग तों पहलां कई बारी रात नूं चैकिंग हुंदी ना चंडीगढ़ पुलिस करती है, उत्थे करा दिया करो इहदी चैकिंग, फूकां मार के जिहड़ी चैक करदे आ ब्रेथ टेस्ट हुंदा, क्योंकि इहने तां पी के आई जाणा, और पी के आके उत्थे लोकां दा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे सिख कौम दा गुरु साहब दे दसे होए रस्ते ते चलण वाले सिखां दा निरादर करूगा, बर्दाश्त नहीं किसी ने करना, एक बार नहीं अनेक बार ही हो गई है। मगर पंजाब की विधानसभा च तां तुसीं इह कंट्रोल कर सकते हो, मगर तुसीं नहीं करना, ठीक समझ। मैं तो आस करता, उम्मीद करता दैट इधर
चंडीगढ़ पुलिस की ड्यूटी लग जा करे। गवर्नर साहब नूं मैं कहना नेक्स्ट टाइम कि तुसी आपकी अगली बारी संबोधन जाने तो पहला पहला इहदा टेस्ट करा लो, सारा लोगों नूं पता होवे कि अज खादी पीती ते बैठे कि अज सोपी बैठे, क्योंकि यह नहीं किसी ने बर्दाश्त करनी कि उत्थे तुसी बोली तुरी जाओ, जो मर्जी बोली जाओ। कल अज तां सिखां दी गल करती है, कल उठ के कह दूंगा जी मैनूं तां मंदरां चों नहीं पसंद जिहड़ा ये उत्थे चलदा, ते उत्थे लई वी मैं अज फैसला कर दूं। एक शराबी कबाबी बंदा जिहड़ा आपके परिवार का ना हो सकिया, आपके न्याणिया का ना हो सकिया, आपकी मावा मां ते झूठियां सौहां खाण वाला कि वह गुरसिखां नूं दसो कि तुसीं भाई आपकी जीवन जाप किवें बतीत करनी, उन्होंने दाणे के मजाक उड़ाओ, उन्होंने सिखी सरूप के मजाक उड़ाओ, ये कौन बर्दाश्त करू। ऐसी तो नहीं किया, साडे उल्ट गया धरने दे, मगर उदो लोग मगर पे। मैं बार बार कह रहा कई बार हो जाता कि यह सियासी विरोधी है मजीठिया, ना तो पार्लीमेंट च मजीठिया सी, ना पार्लीमेंट के जेडे उत्थे ऑनरेबल मैंबर से जिन्होंने शिकायत की थी मजीठिया का कोई रिश्तेदार सी, जां इस धरने ते जिथे गया मजीठिया सी, मतलब एक बारी नहीं अनेक बारी तुसी जाके गुरसिखां दा निरादर करो, गुरसिखां दे सिखी सरूप बारे माड़ा बोलो, ते पंजाब दी विधानसभा च स्पीकर ते एमएलए तालियां वजाउण। भाई इह कदे चित विचार प्रकाश नहीं, ना ही पंजाब दे लोकां नूं, ना देश दुनिया च बैठे गुरु नानक नाम लेवा संगत नूं इह जिहा निरादर बर्दाश्त होणा। इह सिखी सरूप वास्ते उस दे वेले दे धारवी भी कहिंदे सी भाई आपदा धर्म छड्ड दिओ, केस कटा लो, दाढ़ी कटा लो, आपदा धर्म परिवर्तन कर दो, थोनू माफ कर दें, जिंदगी जीवन देवांगे। साहिबजादियां तो लैके वड्डे वड्डे महापुरश हो गए जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चले रस्ते ते चलण की प्रतिज्ञा की, उन्होंने आपके शीस देता सवासा दी कुरबानी देती, मगर आपका सिखी सिदक नहीं जान दिता। मेरे वीरो अज पंजाब की विधानसभा च एक मुद्दा भी पंजाब का, एक मुद्दा भी पंजाब का उत्थे डिस्कस नहीं होंगा, ना तो पेंशन ओल्ड पेंशन स्कीम इन्होंने गुजरात की इलेक्शन तो पहला आखी थी कि असं लागू करेंगे, वॉट हैपन, ना तुम इंपलॉयज की टी ए डी ए की गल करो, ना लॉ एंड ऑर्डर की गल करो, ना सिद्धू मूसे वाले मर्डर केस की गल करो, ना तुसी बिजली के वधे हुए रेटा नूं जिहड़ा बोझ पाता। मैं पहली सरकार वेखी है जिन्हें वैट ला के डीजल पेट्रोल दीआं कीमतां जो इंटरनेशनल प्राइसिस क्रूड ऑयल सब तो सस्ती, बाकी सूबिआं ने वैट घटाया, इस सूबे ने साल के अंदर अंदर 1500 करोड़ लोगों की जेबां चो डीजल पेट्रोल चो कट लिया। बिजली के रेट जिहड़े वधे उहदे नाल इंडस्ट्री अज सब तो महंगी बत्ती इंडस्ट्री नूं ते दुकानदार नूं मिल रही है, मगर उहदा कोई हजारां करोड़ उत्थों कमाई कर ली। आ कल पेंशनर्स नूं उहनां नूं ओल्ड पेंशन स्कीम तां कित्थे लागू करनी सी, उहनां ते 2400 रुपए हर पेंशनर ते टैक्स लाता, इह मुद्दे तां डिस्कस नहीं होंदे, मगर होर कलां दीआं गल्लां उत्थे चलदीआं ने। इसलिए मैं जिथे आस करदा कि पंजाब की विधानसभा के जेडे गैरतमंद ने जिन्हां च माड़ा मोटा भी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सत्कार है, इहदा बाइकआउट करो, इहदी गल्लां ते ताड़ियां ना मारो, ये कोई ताड़ी मारन का काम नहीं किया, ये कोई उत्थे कोई गुरु साहब का निरादर करे, गुरु साहब की शान के खिलाफ उत्थे हरकतां कारवाइयां होण ते तुसी ताड़ियां मारो, इस तो घटिया गल की हो सकती। अज मैं गल पहला ही कह चुका कि अज तक स्पीकर साहब ने यह रिमार्क्स को एक्सपंज नहीं किया, जबकि केस गुरु साहब की मोहर है, ये गुरु की सिख की पहचान है, इतने की हालात हो रहे।
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾ ਬੇਟਾ ਕੇਸ ਜਾਂ ਦਾੜੇ ਦੀ ਨਰਾਦਰ ਨਾ ਕਰੀ ਇਹਨੂੰ ਪਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਕੈਂਚੀ ਲਵੇ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕੈਂਚੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਕਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਆ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਊਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਪਾਰਟਰ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ